राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत की है। कोलकाता पुलिस ने एक जांच टीम भी बनाई है। एक न्यूज एजेंसी के एक सीनियर पुलिस अफसर के हवाले से शनिवार को बताया, हमने एक जांच टीम बनाई है जो अगले कुछ दिनों में इस मामले में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगी। हमने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज मिलने पर उसे देने की भी अपील की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राज्यपाल बोस के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पूछताछ के लिए कोलकाता राजभवन के 4 कर्मचारियों को तलब किया है। उन्हें आज शाम 4 बजे तक हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 361 के तहत मौजूदा गवर्नर के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राजभवन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें गवर्नर बोस ने राजभवन में पुलिस की एंट्री बैन कर दी है। बोस का कहना है कि इलेक्शन के दौरान अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस गैर कानूनी ढंग से जांच कर सकती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।